अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का रण अभी जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण पदों से सचिन पायलट की छुट्टी करा देने में सफलता जरूर पाली, लेकिन सचिन पायलट अभी भी उनकी सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। सचिन पायलट ने मीडिया के जरिए कुछ बातें सामने रखी कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। सरकार में अफसरों को उनकी बात न मानने के निर्देश थे, जिसके चलते उनको ये रुख अपनाना पड़ा। उस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना और हैंडसम दिखना ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये जो युवा नेता हैं, इनकी पार्टी में रगड़ाई नहीं हुई, इसलिए ये अपना धैर्य खोने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला कल युवाओं का है, लेकिन ये लोग धैर्य नहीं रख सकते। उन्होंने तो सचिन पायलट पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर साजिश बना रहे थे और ये जो साजिश है, विधायकों की खरीद फरोख्त में वो भी शामिल थे। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया है। हालांकि सीधा सीधा सचिन पायलट का इस मामले में नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, ये तय हो चुका था कि पहली किस्त कब आएगी, दूसरी किस्त कब आएगी, तीसरी किस्त कब आएगी, कौन डिलीवरी लेगा, उसका मोबाइल नंबर मांगा गया था। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं और एसओजी का जो नोटिस उनको सचिन पायलट को मिला था, जिसको लेकर उन्होंने इसको मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा कि वो नोटिस मुझे भी मिला था, मैं भी अपना बयान दर्ज कराने जाता, तो इसमें आपको भी बयान दर्ज कराने अगर जाना था तो इसमें बड़ी आपत्ति क्या होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सचिन पायलट ने कभी मेरी बात नहीं सुनी, ना वो मेरे से सलाह मशवरा करते थे, मैं उनको जब भी कुछ समझाता था वो उसको नहीं मानते थे। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई बारीक बातें कही हैं, लेकिन सचिन पायलट को जो नोटिस दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से और सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को जो नोटिस मिला है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, कारण बताओ नोटिस मांगा गया है, उसके जवाब में सचिन पायलट अब कानूनी मंथन कर रहे हैं। कानूनी जो जानकार हैं उनके से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आगे हमें इस पर क्या रुख अपनाना है। लेकिन ये एक हमारे जो सूत्र हैं जो बताते हैं कि इस बात की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करवानी है, एक बड़ा झटका देना है। सचिन पायलट ने और उनके समर्थक विधायकों ने जो बगावत का एक कदम उठाया था उसके लिए पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। 17 तारीख तक जवाब देना है। और लेकिन अगर हम देखें, सचिन पायलट का ये कहना है कि जो व्हिप का उल्लंघन का उनको नोटिस मिला है, तो व्हिप का उल्लंघन विधानसभा में होता है, किसी के घर पे या कार्यालय पे नहीं होता। अगर किसी ने घर पे बैठक बुलाई है विधायक दल की तो वहाँ पर व्हिप लागू नहीं हो सकता। फिलहाल इसके बारे में क्या होता है, हालांकि जो भी विधानसभा अध्यक्ष का फैसला होगा उसको कानूनी चुनौती दी जा सकेगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि सचिन पायलट को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी की बातें तो लोग कर रहे हैं नेता, लेकिन आज राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि जिसको जाना है वो जाए। राहुल गांधी एनएसयूआई के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां पर साफ साफ कहा कि जो जा रहा है उसे जाने दें, जब कोई बड़ा नेता जाता है तो आप जैसे युवाओं के लिए जगह खाली होती है। साफ संदेश था कि सचिन पायलट के जाने की परवाह अब कांग्रेस को नहीं है। और ये अलग बात है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, चाहे अविनाश पांडे हों, चाहे जो रणदीप सुरजेवाला हूँ। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आज उन्होंने क्या बड़ा निशाना साधा है सीधा सीधा सचिन पायलट पर। 40 साल अधिक राजनीति करते हो गए, इस नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है, आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर हम लोगों की, 40 साल पहले की, उनकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में। इसलिए 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं, कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने, जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। ये नई पीढ़ी जो आई है जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है, गवाह है। हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़ी नहीं हुई थी इसलिए आज तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और मैंने ये भी कहा आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं,
हमारा जमाना तो था कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है, ये अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं देश के लिए, देश का फ्यूचर इन पे डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन की वजह सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। अब रणदीप सुरजेवाला जहां सचिन पायलट को कह रहे हैं कि आप वापस आना चाहते हैं तो बीजेपी की जो मेजबानी आप हरियाणा में जिस होटल में ठहरे हुए हैं वो मेजबानी छोड़ दीजिए और आ जाइए, तो देखिए पहले उन्होंने किस तरीके से इसमें हरियाणा की सरकार को घेर लिया है, जरा पहले ये देखिए, फिर आपको सुनाएंगे कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहरलाल खट्टर वो क्या कह रहे हैं कि क्या वो सचमुच हरियाणा सरकार मेजबान है सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की। पहले आप देखिए सुरजेवाला। आज फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से हमने हमारे युवा साथी श्री सचिन पायलट का बयान देखा है जिसमें उन्होंने मीडिया के साथियों के माध्यम से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। हम लगभग 10 साल इधर 10 साल उधर, हम सब हम उम्र साथी हैं, हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और विधायक कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये दो होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलए का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सब को भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। राजस्थान का विषय है, राजस्थान से बात करनी चाहिए, और किसी का कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस से बात करनी चाहिए। हरियाणा का कम से कम हरियाणा सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। जहाँ तक होटलों की बात है, प्राइवेट होटल सबके लिए दुनिया के लिए खुले हैं, कोई कहीं आए कोई कहीं रुके, उसमें हमारा कोई हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं। उधर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम अभी सतर्क निगाह रखे हुए हैं, हम अभी विधानसभा में शक्ति परीक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस मिला है उस पर भी अपनी राय की, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखो मैं जहाँ तक मेरा अब तक का अनुभव है, कारण क्या है कि पार्टी की बैठक में कौन आता है कौन नहीं आता है इसके खिलाफ एक्शन करने का अधिकार पार्टी को है और पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकती है। लेकिन विधानसभा का सचिवालय इस बात का निर्णय करे कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये व्हिप नहीं है। व्हिप तो केवल विधानसभा के कार्रवाई में जहाँ कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत व्हिप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा की परमिशन के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन
कानूनी नहीं बन सकता, किया तो वो कोर्ट से स्ट्रक डाउन हो गया। नहीं मैडम का क्या है, वैसे भी उन्होंने मेरे को फोन करके पूछा था, मैंने भी उनको बताया था, क्योंकि सवेरे 10 बजे आपको पायलट साहब की आज प्रेस होने वाली थी, उस प्रेस में वो क्या बोलने वाले हैं क्या नहीं है उसको देख करके बातचीत करने के लिए हमने अपना समय तय किया था, लेकिन अब वो उनकी कैंसिल हो गई। और इसलिए वसुंधरा जी से मेरी सवेरे ही बात हुई, अभी उनका ही फ़ोन आया था, मैंने कहा अभी नहीं तो आप शाम तक भी आने की कोशिश करो, और एक थोड़ा सा इमरजेंसी अगर कोई हुई तो हम स्वयं भी आपको कॉल करेंगे। देखो मैं, हम तो दोनों को ही देख रहे हैं, हमारे सामने तो अशोक जी भी वैसे ही हैं जैसे पायलट साहब हैं, दोनों को एक्शन को देख करके हमारी पार्टी उसके आधार पर आगे की क्या नीति बनाए इसके लिए हम सामूहिक विचार करने के लिए हमेशा की कोई ऐसी अभी हमारी तरफ से तो कोई आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती, जब आवश्यकता की लगेगा तो पार्टी सामूहिक बैठ के विचार करके करेगी। उधर इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान के बाद अब झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, हालांकि ये कोई पुष्ट खबरें नहीं है, ऐसा बहुत सारी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है, कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी में कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायकों पर डोरे डाल रही है, कुछ अन्य छोटी पार्टियों पर डोरे डाल रही है, और जेएमएम की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है और कहा है कि जो अंतर्विरोध है वो सरकार के अंदर है और बीजेपी पर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं।